हाउ टाल द टावर ठीक है आपको यह बताया गया है कोई प्लेटफार्म है जिसकी हाइट आपको दे रखी है फाइव मीटर ठीक है और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है थर्टी डिग्री और बताया गया है आपको प्लेटफार्म और टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है फोर्टी रूट थ्री मीटर तो आपको ये बताना है हाउ टाल द टावर यानी कि टावर की लेंथ क्या है वो आपको निकालनी है ठीक है तो देख लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है थीके? जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये आपका हो गया एक प्लेटफॉर्म और ये हो गया आपका एक टावर दिस इज अ टावर ओके और इनके बीच की डिस्टेंस भी आपको दे रखी है डिस्टेंस कितनी है फोर्टी रूट थ्री मीटर तो इनके बीच की डिस्टेंस आप बना लोगे फोर्टी रूट थ्री मीटर ओ टी रूट थ्री मीटर इसके बाद बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन की तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है आपको ये दे रखा है आपको थर्टी डिग्री ठीक है तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे थर्टी डिग्री ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका ये है आपका थर्टी डिग्री तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये है आपका थर्टी डिग्री ठीक है थर्टी डिग्री और ये आपको हाइट दे रखी है इसकी टावर प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है फाइव मीटर तो इसको आप लिख सकते हो ये लेंथ है आपकी फाइव मीटर और ये टावर है आपका और ये प्लेटफॉर्म है ठीक है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये आपका प्लेटफॉर्म है इधर और इधर आपका टावर है ठीक है तो और प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये है फोर्टी रूट थ्री फोर्टी रूट थ्री मीटर ठीक है फोर्टी रूट थ्री मीटर तो और ये आपको निकालना है कि टावर की लेंथ क्या होगी ठीक है लेंथ ऑफ टावर लेंथ ऑफ टावर आपको फाइंड आउट करना है ठीक है तो देख लीजिए कैसे होगा सबसे पहले आपको पता चल रहा है इसमें क्या कि अगर ये फाइव है तो ये भी इधर फाइव ही होगा ठीक है फाइव मीटर इसको मैंने मान लिया ये यहां से लेके पहले मैं इसको कुछ नाम दे रहा हूं ए बी और सी डी और इसको नाम दे रहा हूं ई e. ठीक है ये टी तो दिखा रहा है कि ये टावर है और ये पी दिखा रहा है ये प्लेटफॉर्म ठीक है तो इनको मैंने नाम दे दी अब देखिए इन ट्रायंगल डी सी ई इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल डी सी ई में ठीक है डी सी ई कौन सा है ये वाला ये वाला ट्राइंगल तो इसमें देखिए आप ए, ये कितना हो जाएगा ये फो, ये फोर्टी रूट थ्री है तो ये भी फोर्टी रूट थ्री होगा ठीक है फोर्टी रूट थ्री इसको मान लीजिए आप एक्स है ये तो टेन थर्टी टेन थर्टी इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर क्या है एक्स और बेस कितना है फोर्टी रूट थ्री ठीक है और टेन थर्टी की वैल्यू होती क्या है वन अपॉन रूट थ्री तो यहां से आप क्या लिख सकते हो टेन थर्टी की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स अपॉन फोर्टी रूट थ्री ओके रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स इक्वल टू आ जाएगा फोर्टी मीटर ठीक है एक्स के आ गया फोर्टी मीटर तो यहां से आप क्या टावर की लेंथ बता सकते हो क्योंकि ये एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है एक्स की वैल्यू आ चुकी है फोर्टी मीटर फोर्टी मीटर और फाइव मीटर ये पहले से था तो लेंथ ऑफ टावर क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ टावर ये हो जाएगा आपका फोर्टी प्लस दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर दिस ऑप्शन इज करेक्ट ईयर थैंक यू गाइस क्लास सिक्स से लेकर नीट आईआईटी आई टी जे और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर